What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हम क्या सोचते हैं कि कैसा ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा अगर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड के साथ किया गया था उसके जगह हम किसी और मेटल का फॉइल यूज़ करें। तो देखिए आंसर, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वुड बी मेड इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है, इफ द फॉइल ऑफ ए हैवी मेटल इज यूज्ड देन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड शो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस एज शोन व्हेन गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड। यानी कि अगर किसी हैवी मेटल का फॉइल हम यूज़ करते हैं तो हमें गोल्ड की तरह सिमिलर ऑब्जर्वेशंस ही देखने को मिलेंगे। यानी कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शंस भी हो रहे हैं, देन 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एंड कोई कोई जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली पास भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस हमें हैवी मेटल के फॉइल के साथ भी देखने को मिल सकता है। एंड जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो सकता है, अगर हम लाइट मेटल का फॉइल यूज़ करें देन द अल्फा पार्टिकल्स मे बी डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल्स। क्योंकि लाइट मेटल का जो न्यूक्लियस होगा वो आपका इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है आपका प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर अगर छोटा होगा तो प्रोटॉन्स भी तो कम रहेंगे, तो इसलिए वो इतना हैवी नहीं होगा, एंड इसलिए अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। और एल्स इफ़ द मेटल इज़ टू लाइट द अल्फा पार्टिकल्स मे नॉट बी डिफ्लेक्टेड एट ऑल बट इंस्टेड इट मे पुश असाइड द न्यूक्लियस पासिंग थ्रू द फॉइल। यानी कि अगर वो अल्फा अगर जो मेटल फॉइल लिया हमने वो काफ़ी लाइट हो तो अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट किए ही जो न्यूक्लियस है उसे पुश करके साइड करके वो डायरेक्टली पास भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो खुद ही हैवी होते हैं, तो अगर आप काफ़ी लाइट मेटल का फॉइल यूज़ करें तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इतना हैवी नहीं होगा, तो इसलिए अगर अल्फा पार्टिकल्स उससे भी ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो उसे साइड करके पास हो पाएंगे, राइट? तो हमें ये दोनों ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।